गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना ट्रैवलिंग पार्टी यूके। मेरा नाम है कुलदीप चंद, मैं हूं गाजियाबाद से। तो मैं ब्लॉग बनाता हूं अपनी बेटी मानवी के साथ, पर ये ट्रैवल है खाटू श्याम जी का गोयल साहब के साथ, जो हमारे ऑफिस में ही साथ में कलीग्स हैं। तो आइए इस सफर को शुरू करते हैं। और हमारी ट्रेन है जनशताब्दी एक्सप्रेस, सीधे नई दिल्ली से रिंगस रोहिल्ला, सराय रोहिल्ला से रिंगस। ये अकेली ट्रेन है जो सीधे रिंगस जाती है। तो जो भी खाटू श्याम के भक्त हैं वो ज्यादातर इसी ट्रेन से आते हैं। हमारा भी इसी ट्रेन से है, आज गंतव्य खाटू श्याम जी का। तो मिलते हैं ट्रेन के अंदर, सफर की करते हैं शुरुआत। और ये है हमारा बॉगी नंबर, हमारे साथ आज साथ में गोयल साहब। और ये सभी भक्त खाटू श्याम जाने वाले। और ये मिल गई हमें सीट, अब निकलते हैं जनशताब्दी एक्सप्रेस। यार जनशताब्दी एक्सप्रेस में गोयल साहब के साथ मैं आपका अपना ट्रैवलिंग पार्टी यूके। और हमारे सफर की हो गई शुरुआत, ट्रेन हो गई है स्टार्ट। और जय खाटू श्याम जी की सभी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री शिवाजी। पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई। क्योंकि ट्रेन थी खाटू श्याम जी की, तो इसलिए सभी भक्त पूरे रास्ते कीर्तन और भजन गाते हुए ही गए। और चलते सफर में अगर पूरी कचौरी घर से बनी हुई आ जाए तो फिर रास्ते का मजा डबल हो जाता है। इतना हरा भरा मौसम और उसमें पूरी और चटनी या कचौड़ी और चटनी मिल जाए तो फिर कहने ही क्या सफर की। गुड़गांव रेलवे स्टेशन, तकरीबन कितना समय, 5 बज गए। पौने घंटे में हम पहुंचे गुड़गांव रेलवे स्टेशन। और दिल्ली से तकरीबन 1.5-2 घंटे के सफर के बाद गुड़गांव क्रॉस हो गया था, वो तो 1 ही घंटे में या 1.5 घंटे में। उसके बाद शुरू हुए गेहूं के मस्त बड़े बड़े खेत और बदलता रहा धीरे धीरे मौसम। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए ट्रैवलिंग पार्टी यूके इसी ब्लॉग में। अभी आगे शुरू होगी बरसात और मस्त फूलों की घाटी, समझ लीजिए इतने फूल के बेहिसाब रेलवे स्टेशन के किनारे ही। और उसके बाद सीधे ले चलेंगे आपको इसी सफर में रिंगस तक।
दिन ढलता रहा और ये ढलता सूरज बिल्कुल हमारी आंखों के और आपकी आंखों के सामने। बारिश भी साथ साथ हो रही थी तो कैमरे पे बूंदे भी पड़ रही थी और दिल्ली की खिली धूप से निकलकर रिंगस तक ये भीगता मौसम का बदलता मिजाज आपको मैंने हर पहलू दिखाया। और फिर रेलवे स्टेशन आया नारनौल और शायद इसके बाद डायरेक्ट रिंगस है, तो ये नारनौल और फिर हम भक्तों की भीड़ के साथ उतरे रिंगस पर। पर उससे पहले सुनाए छोटा सा भजन। और उजाला थोड़ा सा कम है पर इरादे पूरे मजबूत, उतर गए हैं रिंगस रेलवे स्टेशन पे। गोयल जी मेरे साथ और मैं आपको दिखाता हूँ भक्तों की भीड़। ये मतलब लंबे ये देखिए, हाँ हाँ प्लेटफॉर्म से चलेंगे गोयल साहब। हम इतने बड़े डेयरिंग कहाँ है कि रेलवे पटरियां क्रॉस करके ही जाएंगे। ये है रिंगस का रेलवे स्टेशन, ये है वो ट्रेन जिससे हम अभी आए और भीड़ क्राउड क्राउड क्राउड। अरे लाइट आ रही है ना लाइट। एकादशी में देखिए कितनी भीड़ होती है खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। ये है रिंगस रेलवे स्टेशन। और रिंगस रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के काफी हैं भोजनालय की दुकानें जिनमें ये सेव की सब्जी, दाल और आलू टमाटर, इसके साथ रोटियां, चावल भरपेट 70 से 80 रुपए में मिल जाता है लगभग खाना हर होटल्स पे। गोयल साहब के साथ रिंगस पहुंच गए और ये लगी है खाने की थाली, भोजन उसके बाद निकलेंगे धर्मशाला। जय श्री खाटू श्याम। हम पहुंच गए यादव धर्मशाला पे और यही है वो स्थान जहां आज हम रुकेंगे तकरीबन 1 से 1.5 बजे तक। उसके बाद करेंगे आगे का पैदल सफर जारी। अभी यहां से चलते हैं अंदर, ये गोयल साहब हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि कहां रुकना है। तो दोनों भाई मौसम का मजा लेते हुए पहुंच गए पर मौसम ने ले ली क्योंकि गाजीवास से निकलते ही बारिश शुरू हो गई थी और ठंड के मारे रूह कांपने लगी। हवा में इतनी ज्यादा ठंडक, इतनी ज्यादा ठंडक की ट्रेन में आधे से ज्यादा उन्हें तो स्वेटर और फुल स्वेटर निकाल दिए थे किसी ने, जो जो भी मतलब सॉल जो भी आया था सब निकाल लिया। बाकी आगे का हाल गोयल साहब देखो, बॉडी बिल्डर आदमी टी शर्ट में ही चले जा रहे हैं हाफ में। श्री श्याम लगन आश्रय यहाँ हम पहुंच गए, ये है हमारी धर्मशाला जहाँ हम आज रुकेंगे।
धर्मशाला के प्रवेश द्वार पर ही ये राधा कृष्ण जी का मंदिर छोटा सा। आइए अंदर चलते हैं। एक ये बेड, 3 बेडरूम है, और ये टीवी। डोर को सबसे पहले कर देते हैं क्लोज। ये हमारे सहमित्र सोने की कगार पर बिल्कुल। इतना बड़ा है ना। और ये वॉशरूम। और एसी भी इस रूम में है। और साथ में ये बढ़िया बालकनी, जहां से सुबह सुबह आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। छोटा मंदिर मतलब इसी के अंदर है। और ये आसपास का लोकेलिटी। नेक्स्ट ब्लॉग में सुबह कराएंगे आपको खाटू श्याम जी के दर्शन। तब तक देखते रहिए ट्रैवलिंग पार्टी यूके। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।